For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Bollywood में आए दिन कोई ना कोई बायोपिक्स बनती ही रहती हैं और अब तो बायोपिक का चलन ही शुरू हो गया है. और सबसे रीसेंट बायोपिक जो है जिसका बज बहुत ज्यादा हो चुका है वो है तानाजी द अनसंग वॉरियर. जी हाँ, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक. वेल, रियल लाइफ हीरोज को रियल लाइफ पर हीरोज हमारे प्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को. अब तानाजी जो है वो रियल लाइफ में जो हीरो थे उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग, चार ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके पास लेकर आई हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे. शायद कुछ लोग जानते भी होंगे लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं लेकर आई हूँ चार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग तानाजी मालुसारे. जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला फैक्ट, ऑफ कोर्स तानाजी मालुसारे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं, तानाजी मालुसारे वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनकी आर्मी में कमांडर थे, जनरल थे उनकी आर्मी में, जो कि पूरी की पूरी फोर्स को लीड किया करते थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी वाले एक ऐसे इंसान थे जिन पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो काफ़ी भरोसा करते थे उन पर, तानाजी मालुसारे पर, और उनका बॉन्ड जो आपस में था वो काफ़ी क्लोज था. सेकेंड पॉइंट, वेल सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि वो अपने देश के प्रति, अपने लीडर के प्रति यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति इतने ज़्यादा लॉयल थे कि अपने ही सगे बेटे की शादी, जी हाँ, जब तानाजी मालुसारे जी के बेटे की शादी थी उन्होंने अपने ही बेटे के शादी के न्योते को ठुकरा कर वो जंग पर गए शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ. और ये किसी बड़े यू नो सैक्रिफाइस से कम नहीं है कि अपने ही बेटे की शादी छोड़कर उन्होंने उस लड़ाई में शिवाजी महाराज का साथ देना ज़रूरी समझा. जी हाँ, थर्ड इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेल थर्ड इंटरेस्टिंग पॉइंट कुछ ऐसा है कि जब 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई हुई थी, जब 1670 में सिंहगढ़ में फाइट हुई थी, वहाँ पर जो है लड़ाई ख़त्म होने के बाद, ऑफ कोर्स उस लड़ाई के दौरान हमने तानाजी महाराज को खो दिया था. और जब ये खबर शिवाजी महाराज तक पहुँची, छत्रपति शिवाजी महाराज तक जब ये बात पहुँची कि कुछ ऐसा हुआ है कि तानाजी मालुसारे अब नहीं रहे, तब उन्होंने एक लाइन कही थी और वो लाइन क्या थी मैं आपको बताती हूँ. वो लाइन थी, गढ़ आला पन सिंह गेला. जी हाँ, विच ट्रांसलेट्स टू, विच मीन्स कि फोर्ट तो हमें मिल गया लेकिन द लायन इज़ गॉन. फोर्ट मिल गया लेकिन लायन चला गया, एक इस तरह की कहावत कही थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने. और उनकी रिस्पेक्ट में, यानी कि तानाजी मालुसारे जी की रिस्पेक्ट के चलते उन्होंने उस जो कोंडाना फोर्ट का नाम उन्होंने सिंहगढ़ फोर्ट रख दिया. और उसके साथ साथ वहाँ पर तानाजी मालुसारे जी का एक स्टैचू बनाया गया एज रिस्पेक्ट, एज एक श्रद्धांजलि के तौर पर उनके लिए एक स्टैचू बनाया गया, जिस स्टैचू को आज भी हम लोग सिंहगढ़ फोर्ट में जाकर देख सकते हैं. फोर्थ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लड़ाई के दौरान काफ़ी बार चोट लग जाती है. लड़ाई के दौरान तानाजी मालुसारे जी को एक बार लड़ाई करते वक्त, यानी कि जब उदयाभान में लड़ाई हुई थी, उदयाभान और तानाजी जब लड़ रहे थे, वहाँ पर जो है उनके शील्ड पर, जी हाँ, उनकी शील्ड पर वार किया गया और उनकी शील्ड जो है वो टूट गई थी. तानाजी की जो शील्ड थी, तानाजी साहब की जो शील्ड थी, उसको उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जो सुपर गार्मेंट्स हैं उनको उन्होंने सर पर बांध कर उस लड़ाई को कंटिन्यू रखा और हार नहीं मानी और झुके नहीं और रुके नहीं. उन्होंने उस लड़ाई में अपने सुपर गार्मेंट को अपने सर पर बांध लिया पगड़ी की तरह. यही चीज़ हम पोस्टर में भी अजय देवगन के साथ देख सकते हैं, जहाँ पर अजय देवगन जो है वो अपने सर पर सुपर गार्मेंट लपेटे हुए नजर आ रहे हैं. वेल, ये एक सच्चे योद्धा की निशानी है, एक सच्चे देशभक्त की निशानी है जो हम इस इनमें देख सकते हैं. वेल, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को. साथ ही साथ तानाजी द अनसंग वॉरियर यानी कि अजय देवगन की फिल्म के लिए और साथ ही साथ सैफ अली खान, काजोल भी इसमें नजर आ रहे हैं, इसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.